को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जूते मारो। जनपद लोगों के मंत्री है आप, आपका रिया कार्यकर्ताओं के मंत्री नहीं है, शर्म करो आप। ये अभद्र टिप्पणियां जो है उसमें समय पर तो अब करते रहे हैं, वैसे भी जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्योंकि शहर कभी सिंह नहीं हो सकता। कांग्रेस के 6 बागी व 3 निर्दलीय आज ऑफिशियली बीजेपी के हो गए। इनमें देहरा से वर्ष 2022 में विधानसभा का बतौर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले होशियार सिंह भी शामिल हैं। बीते कल ही इन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये वही होशियार सिंह हैं जिन्होंने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर की रहनुमाई में बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से 36 का आंकड़ा होने के चलते दालन नहीं गली और इन्हें निर्दलीय ही चुनकर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा। अब यही होशियार सिंह विधानसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी में हो लिए हैं। अब इन्हें पचा पाना अनुराग ही नहीं, बीजेपी सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर के लिए कितना टेढ़ा काम होगा बताने व समझाने वाली बात नहीं है। आपको हम यहाँ एक साल पुराना वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें होशियार सिंह ने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर को लेकर कुछ इस तरह से तंज कसे थे। उसके जवाब में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने क्या कहा था, आइए देखते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। के मंत्री जी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, आप मंत्री पूरी हिमाचल के मंत्री है, आपके कार्यकर्ताओं के मंत्री नहीं है, आप पूरे किसानों के मंत्री है, आप जनपद लोगों के मंत्री है, आपका रिया कार्यकर्ताओं के मंत्री नहीं है, शर्म करो आप कि आपने भेजी हुई गाड़ी वापस बुला ली। जूते मारो ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे लोगों के, हमारे किसानों का हक छीना है, ऐसे कार्यकर्ताओं को जूते मारो। भद्र टिप्पणी उन्होंने की है और जो कि एक विधायक होने के नाते मुझे बहुत इस बात में शर्मिंदगी हो रही है कि देहरा के लोगों ने जो है वो बड़े विश्वास के साथ इस व्यक्ति को चुना था और इस तरह की ये अभद्र टिप्पणियां जो है उसमें समय पर तो अब करते रहे हैं, वैसे भी जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्योंकि शहर कभी सिंह नहीं हो सकता, सिंह का अपना स्वभाव है और शहर का अपना स्वभाव है, ये अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो जनता के बीच में और इसमें वो इस तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं। पहले इन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग जी के ऊपर भी की,